अब खबर विस्तार से। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू में इंडियन सफारी के लिए महाराज बाग के हिरण, नीलगाय के साथ काले हिरण छोड़े जा सकते हैं। गोरेवाड़ा परियोजना के विभागीय प्रबंधक प्रमोद पंचभाई ने बताया कि प्रबंधन की ओर से केंद्रीय चिड़ियाघर को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही महाराज बाग के 10 हिरण, 4 नीलगाय और 4 काले हिरणों को गोरेवाड़ा लाकर छोड़ा जाएगा। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम से बदले जाने को लेकर आदिवासी समुदाय नाराज दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ 26 जनवरी को भारतीय सफारी के उद्घाटन दिवस पर काटोल टोल नाका पर सड़क नाकाबंदी करने की चेतावनी आदिवासी समुदाय ने दी है। नागपुर मेट्रो में प्री वेडिंग शूट, जन्मदिन मनाने के साथ अब जुआ भी खेला जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने बरडी से लोकमान्य नगर तक एक मेट्रो बुक की थी। मस्ती और मजे के साथ लोगों ने मेट्रो में जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, जबकि इसकी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके मेट्रो प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी अब तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि शहरवासियों को अपने कुछ खास पलों को मेट्रो में मनाने की अनुमति मेट्रो प्रशासन ने दी है, जिसका गलत उपयोग होते हुए दिखाई दे रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में डर साफ दिखाई दे रहा है। उस पर कुछ लोगों की लापरवाही से दहशत का माहौल और गहराता जा रहा है। सावनेर से सटे भोपाल मोपा बाईपास के किनारे करीब 300 मुर्गियां मरी हुई मिली। मिली जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह हरकत की है। इसके बाद भोजन की तलाश में पहुंचे आवारा कुत्ते मुर्गियों को नोचते नजर आए। कुत्तों के मरी हुई मुर्गियों के संपर्क में आने से अब आसपास के लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों के बीच चिंता का मुद्दा बनता जा रहा है कि कहीं कुत्तों से बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारी रिहायशी इलाकों में न फैल जाए।